रन उबड़े तू उठा के नहीं बाजार से चीजें लानी से। कौन है बे, खुद ले आऊं ना, ऑर्डर क्यों दे रहे हो? थारा बाप सू। उठ राक्षस, दोपहर के 2 बजे तक सोरिया से। क्या पापा, अभी तो 1:30 ही बजा है, मेरे को सोने भी नहीं दिया यार। चल अब व्लॉग बना। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो आज guys मैं जल्दी उठ गया हूँ और पूरी रात जाग कर एडिटिंग कर रहा था। और guys मैंने फियरलेस भाई को बोला है कि अब टाइम आ गया है Q&A वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ उनके बारे में जानना होगा ना। तो वो बोले है कि इस वीडियो में 5000 कमेंट आ जाएंगी तो पक्का वो Q&A वीडियो लाएंगे। तो गाइस जल्दी से 5000 कमेंट्स कंप्लीट कर दो, और अगर आपको उनको कुछ पूछना है Q&A के लिए तो कमेंट कर देना। तो चलो अब जल्दी से मैं ना तो रहता हूँ, फिर मुझे मार्केट में जाना है चीजें खरीदने। अरे हिप हॉप रेड क्रिमिनल तो यार बहुत फेमस हो गया है व्लॉग बना के। हाँ यार हिप हॉप अब तो तेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही रेड क्रिमिनल के सामने। हाँ यार रेड क्रिमिनल तो अपने व्लॉग में तेरे से ज्यादा तो पिगू को दिखाता है, अब तो लोग हिप हॉप की जगह पिगू बोलते हैं कमेंट में। और नहीं बाबू मोसा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे ही नहीं पसंद है व्लॉग में आना, इसलिए वो मुझे नहीं लेता है। अच्छा मतलब तुझे ही शौक नहीं है फेमस होने का, तो फिर ठीक है। क्या बात करता है, फेमस तो मुझे होना ही है ना। अरे तो फिर तू भी अपनी व्लॉगिंग चैनल बना। और बात तो सही है, पर मुझे यार नहीं आता ये व्लॉग बनाना। अरे तेरे घर में व्लॉगर तो है रेड क्रिमिनल, वो तुझे सिखा देगा ना। हाँ बाबू मोसा मस्त आइडिया है, मैं भी व्लॉगिंग करेगा सोला। पर यार मुझे नहीं लगता कि रेड क्रिमिनल तुझे शायद व्लॉगिंग करने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू उससे ज्यादा फेमस हो जाए। ओए रेड क्रिमिनल भैया घर पे है क्या, हम उससे मिलने आए हैं। अरे बाबू मोसाई घर पे तो है, पर वो तुमसे नहीं मिलेगा। ओए क्यों नहीं मिलेगा, हमने देखा है वो अपने सारे व्लॉग्स में अपने सब्सक्राइबर से मिलते है। हाँ सही कहा, वो सिर्फ व्लॉग में मिलता है, पर जब व्लॉग नहीं बना रहा होता है तब नहीं मिलता। अच्छा ये बात है, फिर ठीक है, वो जब व्लॉग बना रहे होंगे तब हम उनसे मिल लेंगे। अरे भैया जी हमारा प्लान वर्क कर रहा है, हम हिप हॉप और क्रिमिनल के बीच में दरार लाने में सक्सेसफुल रहे। अरे ये तो कुछ ना है, अभी आगे आगे देख होता है का। अरे हिप्पू अभी कोई सब्सक्राइबर्स मिलने आए थे क्या मेरे बाहर, क्योंकि मुझे अंदर आवाजें आ रही थी। अरे नहीं कोई नहीं आया था, वो तो मैं और चंगू मंगू बातें कर रहे थे। अच्छा वैसे सर अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तू भी आएगा ना। हाँ बाबू मोसाई चल चलते हैं, वैसे भी मैं बोर हो रहा था। ठीक है सर, वैसे भी मुझे एक आदमी की जरूरत थी सामान उठाने के लिए। वैसे सुन मेरे को एक तुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल, ऐसी क्या बात करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक व्लॉगिंग चैनल बनाऊँ। हाँ तो बना रहे उसमें क्या, और अगर मैं व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तू सारे मेरे से ज्यादा फेमस हो जाएगा। साले अब तो मैं व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा और तू ही मेरे को सिखाएगा। हाँ ठीक है बना देना, पर अभी वो घर के लिए सामान उठाना है इस दुकान से। अबे उठाना है मतलब चोरी करना है क्या? हाँ जैसे हम बचपन में किया करते थे। अरे तब तो मजा आएगा। अरे आइए आइए क्रिमिनल भाई बताइए क्या चाहिए। अरे वो तो मैं ले लूंगा, पर अभी ब्लॉग बना लेता हूँ। हे गाइस तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ मार्केट पे, और यहाँ एक डगन भाई की दुकान है, हम सारी चीजें यहीं से खरीदते हैं। ये देखो गाइस यहाँ ना सारी चीजें अवेलेबल होती है, इसलिए मुझे कोई दूसरी दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गाइस यहाँ ना प्रीमियम चीजें मिलती है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से ही आप भी चीजें खरीदा करो, क्या बोलते हो डगन भाई? हाँ वो क्रिमिनल भाई एकदम साची बात, और आपके सब्सक्राइबर्स को तो मैं 10% डिस्काउंट भी दूंगा। तो मेरी दुकान यहाँ ढोलकपुर रोड पे ही है, 24 घंटे खुली रहती है, आप कभी भी आ सकते हो। हाँ गाइस जरूर आना। सुनीपू सुन सब कुछ उठा रहे सब कुछ। अरे पर वो मेरे सामने ही देख रहा है, कैसे उठाऊ? हाँ ठीक है सर, तो मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। अरे क्या हो गया क्रिमिनल भाई? अरे डगन भाई वो आपके स्टोर में आटा नूडल्स नहीं है क्या? अरे वो तो देखना पड़ेगा, वो आटा नूडल्स कहाँ गए? अरे पू जल्दी से भाग, उसका ध्यान नहीं है, भाग। हाँ ठीक है। नहीं भाई आटा नूडल्स तो खत्म हो गया है, वो पर चिंता मत कीजिए, मैं कल मंगवा लूंगा। सुन क्रिमिनल मैं वापस आ गया हूँ, चल दूसरी बार उसका ध्यान बटा। अरे यार खत्म हो गया है सर, कोई बात नहीं। वैसे ये क्या है आपके पीछे, कुछ है वो नई चीज आई रखती है? अरे हाँ ये तो मैगी लॉलीपॉप है सर। इपू भाग भाग जल्दी। ओहो मजा आ गया, आज तो बहुत बड़ा हंस मार लिया। ये क्या अब तो जगह ही नहीं बची है, पूरी डिक्की फुल हो गई है। वो लॉलीपॉप चबाने से अंदर से मैगी निकलती है। सुन काम हो गया। अच्छा मैगी लॉलीपॉप आप ही खाओ, हम चलते हैं। हाँ
अरे गजब आदमी है वो, सालों ने कुछ नहीं लिया, खामखा मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। अरे वाह हिप्पू, हमारा तो एक महीने का स्टॉक हो गया। हाँ सही कहा, चल अब घर पे चलते हैं, फिर बैठ के आराम से पैकेट खाएंगे। अरे ये क्या यार, लगता है मेरा पेट खराब हो गया। ओ साले गाड़ी में कुछ मत करना हा? ठीक है तू बोलता है तो नहीं करता हूँ, सीधा घर पे जाके ही करूँगा। ओए क्या बात है यार, आज तो तुम मेरे लिए पेडिग्री लाए, शाबाश। और सुन अब मैं मेरा ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है तू मेरे को सिखाना। अबे यार अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं तुझे सिखा पाऊँ, मुझे डस्ट हो गया है। अरे इतना सारा सामान कहाँ से लाए तुम, पक्का चोरी करके लाए हो। देख इसलिए तुझे डस्ट हो गया है, इंस्टेंट कर्मा, क्योंकि चोरी का खाना पचता नहीं है। अबे क्या बात कर रहे हो साशा, मैंने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। ओए साले धिक्कार है तुझ पे, तुम मुझे चोरी के पेडिग्री खिला रहा था। कोई ना तुझे नहीं खाना है तो मैं और हिप्पू खा जाएंगे। हाँ सही कहा बाबू मोसाई। वही नहीं वही फिर ठीक है मैं खा लूंगा, उसमें क्या है। सुन क्रिमिनल, तो अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ठीक है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग कर एडिटिंग कर रहा था। और आप यहाँ देख सकते हो क्रिमिनल टट्टी कर रहा है, पीगू पीगू क्रिमिनल दा टट्टी कर रहा है। चलो इतना तो हो गया है, अब आगे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हिप्पू सच बताऊँ ना तो फैमिली ब्लॉगिंग तेरे बस की नहीं है। अरे तो अब मैं क्या करूँ यार। हिप्पू तो तू एक काम कर, मोटो व्लॉगिंग कर। पर उसमें मैं क्या करूँ चाचा, कुछ टिप दो। हाँ ठीक है तो सुन। अरे वाह सासा ये तो मस्त आइडिया है, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। मोटो ब्लॉगर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सुपर बाइक, और ये सबसे बड़ा शोरूम है ढोलकपुर का, तो यहीं से सुपर बाइक खरीद लेता हूँ। रे सुनो भाई, क्लाइंट आर्या से हमारा सब अच्छे से बिहेव करना, औकात पे ना आ जाना। हाँ सर समझ गए। नोक नोक, कौन से भाई। तेरा बाप आया, मजाक कर रहा हूँ, मुझे एक सुपर बाइक लेनी है। ठीक से सर आपका बजट बताइए, उस हिसाब से आपको मैं सुपर बाइक दिखाता हूँ। अरे बजट की चिंता मत करो, बस आप मेरे को एक बढ़िया बाइक दिखाओ। ठीक से सर, जा भाई फोर्ड साहेब को बढ़िया वाले सुपर बाइक दिखा दे। अरे नहीं नहीं ये फोर्ड को मत भेजो, रहन दो किसी और को भेजो। रे क्यों भाई, क्या दिक्कत से इसमें। अरे क्योंकि इसका नाम फ्रॉड है, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहले ही सुपर बाइक में फ्रॉड हो जाए। ठीक से, तो पिंकी तू जा सर को सुपर बाइक दिखाने। यही तो मैं चाहता था, आओ पिंकी आओ। चलिए साहेब मैं आपको एक से एक बढ़िया सुपर बाइक दिखाता हूँ। अबे तू कौन है, मैंने तो पिंकी को बोला था आने को। अरे हमारा नाम ही तो है पिंकी, पिंकी भाई। अबे साले तू लड़की नहीं है, निकल यहाँ से। अरे सर ये आपका आदमी तो बेहोश हो गया, किसी और को भेजो। रे सॉरी सर, एक काम करता हूँ मैं ही चलता हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं आप बैठिए, सेठ लोग थोड़ी बाइक दिखाते हैं। तो फिर क्या करूँ भाई। अरे इस छोरी को भेज दो। ठीक से भाई सुटकी, जा साहेब को बाइक दिखा। सर ये देखिए हमारे पास इतने मॉडल्स अवेलेबल है सुपर बाइक्स के, अच्छे से देख लीजिए आप। अरे सुपर बाइक्स खरीदना तो एक बहाना है, क्योंकि हमें तुम्हारी जिंदगी में जो आना है। How cute, I love you। अरे ये तो जल्दी पट गए। चलो बैठ जा, तुझे और सुपर बाइक को लेके मैं भाग जाता हूँ। हाँ ठीक है चलो, वैसे भी मुझे इस खड़ूस बॉस से पीछा छुड़वाना था। वैसे बाबू ये बाइक कितनी तेज भागती है। अरे बहुत तेज भागती है मेरे सोना। हेलो गाइस, तो अभी मैं चुटकी और क्रिमिनल तीनों आए हैं जंगल में मोटो ब्लॉगिंग करने। और हाँ चुटकी मेरी दोस्त है, कमेंट में बाबू बाबू मत लिखना। यस वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अरे मोटो ब्लॉगिंग ही करनी थी तो मुझे कार लेके यहाँ क्यों बुलाया, वो तो आगे आगे पता चल जाएगा तुझे। वही क्या बात है, यहाँ का पानी तो बहुत साफ सुथरा है, कल से कपड़े धोने यहीं आऊंगा। और गाइस ये देखो तेंदुआ मिल गया, काम हो गया, अभी क्रिमिनल को बुलाता हूँ। और क्रिमिनल इधर एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। नहीं आना मेरे को, तू देख। और मेरे भाई आना प्लीज। अरे आपका दोस्त इतना बोल रहा है तो जाओ ना। ठीक है सुटकी, ये तो तू बोल रही है इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं नहीं जाता। अबे तेंदुए बिल्ले दम है तो आ मेरे पास आ। अबे क्या कर रहा है नुबड़े, उसे क्यों पास बुला रहा है, तेंदुआ है वो कस्सा सबा जाएगा। इसलिए तो बुला रहा हूँ और तुझे भी इसीलिए बुलाया, तेंदुए के साथ थंबनेल लेने के लिए। बिल्ले आना दम है तो आना। ओए नुगड़े तू मुझे बिल्ला बोल रहा है, रुक साले अभी तुझे बताता हूँ।
ये लो थंबनेल आ गया, बढ़िया क्लिक बेट करूंगा। अरे भागो जान बसा के, ये तो सटिया गया है। ओए तू नीचे आ, अभी तुझे बताता हूँ, मुझे बिल्ला बोल रहा था ना। साला मैच्योर बनो, छोटी छोटी चीजों पे ऑफेंड हो जाते हो, ये तो मैंने थंबनेल के लिए किया था। ओए यार तूने सही कहा, अब से मैं मैच्योर बनूंगा। अरे ये क्या, मेरी कार और हिप्पू की बाइक कहाँ गई? यही तो पार्क की थी, और सुटकी भी गायब है, शेर उठा के ले गया क्या? सेठ जी ये लो हमारा काम हो गया, बाइक और कार दोनों उठा ली साले की। रे वाह चुटकी, तू तो होनहार छोरी से, चल अब दूसरे ग्राहकों की बारी लेनी से भाई।